हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुगलई शीर खुरमा, जिसका फ्लेवर बहुत ही रिच और क्रीमी होता है। वैसे तो ये कई तरीके से बनता है, पर मैं आपको आज अपने स्टाइल का शीर बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शीर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने लिए हैं 4 छुहारे, जिन्हें मैंने भिगो कर रखा है। आधी कटोरी चिरौंजी, इसे भी मैंने भिगो कर रखा है। अब भीगे हुए छुहारों की गुठली निकालकर एक बड़ा चम्मच दूध डालकर इसकी फाइन प्यूरी बना लें। यहाँ मैंने 4 किलो दूध में उबाल लगा लिया है। फ्लेम को हल्का कर दें। अब इसमें पिसे हुए छुहारे का पेस्ट डालें और चिरौंजी, जिसे मैंने मसल मसल कर छिलका उतार लिया है, वो भी डाल दें। कटे हुए काजू, थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर, 1 पाव सेवई डालकर अच्छी तरह से चला लें। अब इसमें 1 केन कंडेंस मिल्क डालें। और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे कम से कम लो फ्लेम पर 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दें और इसे बीच बीच में चलाते रहें। दो घंटे हो चुके हैं, शीर हमारी गाढ़ी हो गई है। चार किलो दूध लिया था, जो कि अब हमारा 2 किलो रह गया। आपकी शीर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब लास्ट में हमें 1 कटोरी चीनी डालकर कम से कम 5-6 मिनट इसे और पकाना है। देखिए, शीर हमारी रेडी हो चुकी है। कुछ इसका कलर लाइट पिंक आ चुका है। अब इसे एक डिश में निकाल लीजिए। अब इसके ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर दीजिए और घी में तले हुए मखानों को ऊपर से डाल दें। तो कैसी लगी आपको मेरी ये शीर खुरमा की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं कुक विद साहिबा पर बहुत जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।